हेलो, हो गया संपर्क, हो गया भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब, क्या है? देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा गई। मैजेंटा लाइन। पता है मैजेंटा लाइन जो है, मैजेंटा। हाँ, मैजेंटा लाइन। हाँ, मैजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या? मैजेंटा। आपका एजेंडा क्या है ये? कौन, क्या? एक सेकेंड, सॉरी। तो जब से हमको पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मैजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो पीली रेखा जो कि स्त्रीलिंग है, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। मेट्रो आई मेट्रो चली गई। तो दोनों, पीली रेखा और मेट्रो जो है, अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवर लेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई, ये पूछ रहे हैं। जैसे ही मेट्रो बात करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास, तो दीवार ने बोला इधर आ। वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। तो दीवार की दो चीज टूटी है, कान और दूसरा, तो ये बताएंगे, दूसरी दीवार की। बहुत गलत बोल रहे आप। गलत है, इनका नाम बैरागी जी मालूम है। धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई, हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। बोल रहे हैं, इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर कोलेस्ट्रोल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे एफ से रॉकिंग डियर, गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 FM बजाते रहो जी। हेलो भाई साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक मुद्दा है भाई साहब जिस पे हम बातचीत करते हैं। हाँ भाई, क्या बताओ यार, क्या बात है? बात ये है कि इस बारी 26 जनवरी के परेड में दिल्ली की झांकी है। ये वही वाली बात हो गई, आपने अगर देखा हो पुरातन काल में अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं हाथी। क्या चीज मत बताइए इसको, ये इंस्टा जनरेशन है। ये अश्वत्थामा और संजय जो घर पे बैठ के इनके अंदर LED लगाते जहाँ पे महाभारत, इनको क्या बताए? अश्वत्थामा मारा नन्हे हाथी से आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल को 100 गाली पे गर्दन काटी थी, इन्हें क्या पता? आपस में बात है, कुरुक्षेत्र में ले जाए बैरागी, आप वहीं से बिलोंग करते हैं शायद। जी बिल्कुल। कौन सा गाँव उत्सव मामका पांडव श्रेय किम कुर्वत संजय। बताओ संजय भाई, क्या बोल रहे हो? तो ऐसा है, दिल्ली की झांकी है लेकिन दिख नहीं रही है। झांकी का हर बार थीम होता है, इस बार का थीम है झांकी का। क्या थीम है दिल्ली की झांकी? इस बार झांकी का थीम है स्मॉग। स्मॉग, क्योंकि स्मॉग ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, तो उसी थीम को लेकर के दिल्ली की झांकी गुजरेगी। जैसे ही गुजरेगी कोई भी उस झांकी को देख नहीं पाएगा, इसलिए लोगों को क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका थीम ही स्मॉग है। और स्मॉग रहेगा तो आप कैसे देख पाओगे झांकी? झांकी है, बस दिखाई नहीं दे रही भाई साहब। आने वाली है, नहीं 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 बैरागी जी, इसने गंदा बोला, इसका नाम क्या है? ट्रांकुलाइजर हमारे साथ थे। आप ट्रांकुलाइजर है भाई साहब? अरे बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांकुलाइजर जी, गलत मत बोलिए, बैरागी जी को तो कम से कम मत ही बोलिए। हाँ बिल्कुल, मिनट से पहले तोड़ना। अरे वाह, फोन कट गया। इस बार चिट्ठी बैरागी जी का, इस बार की चिट्ठी आउटोनेशिया के पलकट्टू जिले में अपने साधु साहब को गणतंत्र दिवस पर इंडिपेंडेंस डे की बधाई देने वाली बलकटी सिलोरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। 93.5 FM बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ कौन? नमस्ते अंकल, एक सेकंड, मेरी बुआ जी, बुआ जी, पैरी बोना, पैरी बोना बेटी, पापा, ये क्या हो गया? तूने कहाँ फोन मिला लिया? अंकल एक सेकंड, क्या कह रही है? बेटी पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। पापा को तू है कौन बे, मुझसे बात कर, तूने मुझे फोन मिलाया, मुझे होल्ड पे। भाई साहब बोलो। मैं बउआ बोल रही हूँ। हाँ, क्या पापा जी, आप रो क्यों नहीं रहे? अभी रोने की क्या बात है, दिवाली गुरुवार की, ये लोग आज क्यों आ गए? आज बे कौन है बे तू, मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे।
अरे सॉरी यार, सॉरी शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब आपसे मदद के लिए फोन किया। बढ़िया, बताओ क्या मदद चाहिए? दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन पापा देखो डो नहीं रहे। मेरी बुआ कुछ कह रही थी। बुआ जी बेटा, बुआ बेटा, हाँ बुआ, पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को रुलाओ वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़िया नहीं जलाई बाहर तूने? लड़ी देख रहा तू। बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे? पापा को देख रहा है, लड़िया जलाने की बात कर रहा है। अरे भाई ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या है? मतलब क्या हो रही है? क्या हो रही है? मेरे पापा डो नहीं है। अरे यार तुमने बाप से बात करो। बाप से? पापा अंकी। हाँ बात करो बेटा। हेलो। हेलो जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार, आपको ये सच है ये आपको सुनना पड़ेगा। आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं। अरे बेटे इस चीज का जवाब दे मेरे को। फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रोऊंगा इसके बाद। भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। सुनना एक मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिंग ट्रिंग करती है। लाल है और ट्रिंग ट्रिंग करती है। शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें। टेलीफोन लाल और ट्रिंग ट्रिंग तो क्या? गलत गलत है। ये भी गलत है। हाँ क्या आंसर है? टमाटर। टमाटर? हाँ टमाटर। टमाटर ट्रिंग ट्रिंग कहाँ करता है? बड़े टमाटर लाल होता है ना। हाँ जी। तो ट्रिंग ट्रिंग तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे बाबा डो नहीं रहे। भाई साहब मेरा बाप मारा तो इसमें मैं क्या करूं? मैं मेरी बात करा। सॉरी एक सेकंड, आप डो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक? क्या संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख, दादाजी चले गए। चले गए? संदूक छोड़ गए। हाँ जी। जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना? तेरे बाप की। सॉरी कंडा भैया, तुझे और तेरे बाप को तीनों घुस के मारूंगा। हेलो, कहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने, कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। आपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, बहुत बहुत हमारे बड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक यू बैरागी जी, एक्सपर्ट है हमारे। दो मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? एक सेकंड, ये किसका है आपको बताए? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ। आपने सुना ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए बैरागी जी, प्लीज जरा बताइए। देखिए ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा। ऐसा रस होगा। ये किसानों का फायदा। इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, बल तोड़ उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है ये प्ले करो। ये मवाद, ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीटाका और काट बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा। इसके अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है। क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को आलू नहीं पके, कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ। भाई साहब इनसे कुछ कहना आपको बैरागी जी से? बैरागी जी इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन बोल रहे हैं। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? तुरंत बजे बार की चिट्ठी सस्कातून के मनियारीपुर में स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमाऊनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली। क्रिमसी जिनाला कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रिमसी जिनाला जी कमाऊनी होते हैं। क्रिमसी जिनाला जी एफसी रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, कौन बोल रहा है? जी मैं हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? कहाँ से? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। फोन पे हम लोग जनरली कॉन्टेस्ट खिला के प्राइज देते हैं। अरे मेरे को नहीं खेलना भाई। नहीं 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 सुनिए, बड़ा सिंपल सा है। अरे यार तुम लोग फोन कर करके बैलेंस काट लेते। बैलेंस नहीं काटते, प्लीज दो मिनट दे दीजिए। चल बोल जल्दी, दो मिनट है। जैसे कि कॉन्टेस्ट बड़ा सिंपल है। हाँ भाई बता। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कर दे। दो चीजें होती दुनिया में, हाँ और ना। तो हाँ और ना में हाँ तो हाँ ही है, लेकिन आज के जमाने में ना बदल गया है।
जैसे अगर किसी चीज को ना बोलना होता है ना किसी इंसान को, तो अब वो ना नहीं बोलता। क्या बोलता है? ना जो शब्द है वो बदल के अब घंटा हो गया है। घंटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेस्ट है भाई नहीं, एक सेकंड सुनिए, जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि ये मेरा मोबाइल 50,000 रुपए में लेगा, तो सामने वाला ना नहीं बोलता, सामने वाला बोलता घंटा। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार एक बात बेटा, तू 15 किलोमीटर पहाड़ पे 2 मिनट में चढ़ जाएगा? घंटा। जब 8 से 9 के बीच सुबह मेट्रो में जाते हैं तब सीट मिलती है? घंटा। नाइस। फालतू का टाइम नहीं। जैसे मेरे साथ दूसरी लाइन पे एक और प्रतियोगी हैं जिनका नाम है डगलस। डगलस? अरे कौन है डगलस? डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम सिंगापुर। चलो कहाँ से? सिंगापुर। चलो अच्छा भाई ठीक, मैं कह रहा हूँ तो डगलस और आप साथ में कंपटीशन खेलें, तो ना का मतलब घंटा है, ठीक है? अच्छा, ये मैंने डगलस को ऑलरेडी समझा दिया। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब हम आपको कुछ फिल्मों के नाम बताएंगे। फिल्मों के नाम? फिल्मों के, हाँ, जिसमें ना शब्द आता है। ओके, तो जहाँ जहाँ ना आता है वहाँ वहाँ आपको क्या भरना है? घंटा। डगलस? घंटा फिट करना। घंटा फिट करना, क्योंकि ना मतलब घंटा। घंटा। अगर जवाब आपको आए तो जवाब में पहले नाम चिल्लाना है, जवाब नहीं, ठीक है? अच्छा, तो पहला राउंड शुरू करते हैं। कहो ना प्यार है, डगलस। कहो ना घंटा है। नहीं, आपने नाम चिल्लाने, डगलस। डगलस घंटा प्यार है। थैंक यू। समझे आप? 1-0। अच्छा, हो गया, ठीक है? अच्छा। दूसरे पिक्चर का नाम, कल हो ना हो, डगलस। घंटा हो, घंटा। फिर आप नाम नहीं बोले, डगलस। कल हो, घंटा हो। अगला पिक्चर, तुमको ना भूल पाएंगे, डगलस। तुमको घंटा भूल पाएंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, घंटा मिलेगी दोबारा, डगलस। घंटा मिलेगी दोबारा। वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब हम गाने की तरफ बढ़ेंगे। ना 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 रे, घंटा 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 रे, घंटा रे, घंटा डगलस। अरे एक सेकंड, वो मेनू कैंडी। ना 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 डगलस, वो मेनू कैंडी। घंटा 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 भाई, तू एक बार डगलस को फोन दे। डगलस भाई बात करिए। आई एम स्पीकिंग डगलस। मैं तो डगलस, तेरी सेम टू यू। अगला गाना ना सीखा मैंने जीना, डगलस। घंटा सीखा मैंने जीना। आई एम विन साले, ये घंटा सुनो ना संगे मरमर, सुनो घंटा संगे मरमर, डगलस। ना तुम जानो ना घंटा, तुम जानो ना हम, डगलस। एक आखिरी पिक्चर, शोले। डगलस, डगलस। शोले में क्या घंटा है? शोले में क्या मतलब? कहाँ ना है, कहाँ इसमें? शोले घंटा 3 लेती है, इतनी लंबी फिल्म है सिप्पी की। अरे साले। पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया भाई साहब। आई विन। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा साले। मिलेगा। क्या मिलेगा? घंटा। आई एम डगलस मेहता फ्रॉम सिंगापुर। हेलो, फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस यस आई नो, और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। पता चल रहा है, पता चल जाए ना कौन है, हाँ? तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। कौन बोल रहा है भाई, मुझसे बात कर? एक सेकेंड, बहुत कुछ हो क्या? एक सेकेंड, कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। एक सेकेंड, क्या फोन किया? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा, बड़ी लंबी उम्र है। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को, और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ, तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए? अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। तो दादी ने मरने से पहले, दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उनका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के, बेटे से बढ़ के डॉगी, डॉगी घड़ी का। कैसे नाम रखे? नाम क्या? अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, नाम रखे। हेलो। तो पूजो ने जैसे ही सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो, क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए, ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से, उन्होंने जाके ताई को काट लिया। ताई जी को काट लिया जैसी ताई सुन रहा है? एक मिनट सुन रहा है तू?
मैं सुन तो रहा हूँ, तुम क्या काटे जा रहे हो यार? नहीं नहीं ये नहीं काट रहे डगलस, डगलस के पूजों ने पहले ताऊ जी को काटा, फिर ताऊ जी ने ताई जी को भी काट लिया, और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी, और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए, ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो नहीं एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी खाले, तू पता नहीं क्या अंडा बोल रहे तू डगलस को, इसका पेजूने काट लिया कभी किसने का, पहले सोच ले क्या बोल रहा है, जब नहीं पता था तो फोन शुरू में रख देना था, हम किसी और को कर लेते, गलत मिलाया मुझे क्या पता, तो शुरू में क्यों नहीं बोला रॉन्ग नंबर, तो रॉन्ग नंबर मुझे क्या पता, तुम अड़ी किसने दी मुसीबत, दो मिनट पूजो, पूजो का मेरा अटैक, अटैक पूजो, अटैक पूजो तेरी काट लेगा, हेलो कौन बात कर रहे हैं? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, ये मेरे दोस्त डगलस है, ही इज फ्रॉम चकरा का पौवा, क्या ना हमारे लोग का गाने का एक कैसेट का दुकान है, पर थोड़ा तकलीफ हो गया, कल रात को हम दुकान खुला छोड़ गए थे, ठीक है, शायद चूहा आ गया और गाने कुचट गया, सॉरी, अगर मान लो ना दो मिनट के लिए, क्या ना गानों में से शब्द गायब हो गया, अगर नहीं शब्द प्लीज इसमें गानों में से शब्द भर दीजिए, मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ, जैसे चूहे ने गाना कुचड़ा और पहले ये गाना ऐसा था बिल्लो, सुनो आवाज आ रही है, सुना आपने गाना? हाँ सुना, क्या इसमें से? बिल्लो रानी कहो तो अभी दे दूँ, क्या दे दूँ, वो गायब हो गया, चूहे ने शायद कुचड़ दिया, बिल्लो रानी क्या देगा तू? बिल्लो रानी के एक्चुअली बाथरूम में पानी ज्यादा ना, वो ढक्कन निकल गया, अच्छा तो उसे सफेद सीमेंट, बिल्लो रानी कहो तो अभी ढक्कन दे दूँ, सफेद सीमेंट दे दूँ, मुझे फिर कालेगी, दूसरा गाना इसमें से भी गायब है शब्द, अगला सुनिए ये गाना भी, इसमें से भी शब्द गायब है, यहाँ टार टार फेफड़ों में टार आता है ना, टार जिंदगी में, भाई साहब इसमें टार आएगा कि क्या है? नहीं मिलता, हाँ आपको तो मिला ही नहीं, जैसे भूखे कहीं के, ओह माय गॉड बस करिए, तुझे तो मेरी क्या लग गई, बल तोड़ एक सेकेंड, ये आखिरी गाने सुनिए, दो क्या आगे बंद हो गया गाना, तू कहाँ से आया साले, कौन सा इंसान, शाकारा का पोवा, यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेट, शाकारा का पोवा, साले तेरी ऐसी लात मारूं ना सीधा सही वहीं, मोहब्बत ना तू क्या आया है, बबला डाकू आया इसे ले जाएगा, बबला डाकू से बच के रही हो सावन, नहीं बबला डाकू मोहब्बत बरसा देना, बबला डाकू आया है, एक वर्ड ऑफ इस गाने के साथ भरेंगे, मोहब्बत बरसा देना बबला डाकू आया है, आई एम डगलस फ्रॉम शाकारा का पोवा, हेलो ये नहीं होना चाहिए था पापा, क्या नहीं होना चाहिए था, तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ, तो हारू मार जाए, ना पैसा लगाया है बाप ने, हम आ जाए, हेलो अंकल नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, बोल नहीं पहले तो रो रहे हो, अरे बोल कौन रहे यार, कौन रो रहे है, कौन बोल रहे हैं, बउआ बोल रहे, बउआ, हाँ बउआ बोल, मेरा बाप, हाँ जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है, क्या नाम है, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर, ये कौन सा बाप हो, सुंदर लाल चड्ढा, अच्छा सुंदर लाल चड्ढा, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर, अबे ओए हेलो जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार, ब्यूटीफुल डेट एंड एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है, उजड़ रहा है, हाँ इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती, अब ऐसा हुआ क्या, मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी, पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ, सीधी सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट, नहीं सॉरी एक सेकेंड ठीक है, मैं बिना रोए बताया, मेरा बाप रोहिणी एक जगह ना, रोहिणी, हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं,
अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए एक सेकेंड। मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूलमाला गले में लटकाए हुए इतने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा घूम घूम के कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो? तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना, इसका मतलब क्या है? बहु मत दो, बहु मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बनी। गंदा बोल रहा है, क्यों इसके वजह से मेरा घर का मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहु मत दो। हेलो, दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन बउआ? मैं बस है बउआ और बस है बैरागी। टू बी मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना? दो मिनट। फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ, कौन बोल रहे हो? आपसे वही कह रहे ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है। बैरागी जी, जी दोषी ठहरा। आप मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं, इसकी आप कर रहे हो, ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, वाह, डाकू दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाते थे, लूट जाती थी, पेटियों की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दो शीट करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़, तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बेटा। शुक्रिया बहुत बहुत। सब है, निकल निपट गए भैया। तो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा दोषी जो है वो इंसान की उंगली, वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोली है ना बीच में? हाँ, बोलो। करते रहिए, अपनी गतिविधियाँ चालू रखिए। हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं वो, आप मिनट क्या करेंगे उसका? तुम्हारी अंगूठा मुँह में रख करके, बस मुँह में नहीं, बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके, बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उसे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे। इसका नाम क्या बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ। आप खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी बात समझ गए। खज्जल का फोन कट गया बैठेगी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ है? इस बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में। अरे वाह, कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती हूँ गाइस आर एफ से रॉकिंग मौसम। भोली इमरती जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो, लगता है आवाज जुड़ गई है बैठेगी। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवी युवा की। हेलो, ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहां पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में फोन पे की चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़ी बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए, पेपर लीक होने की बात हो रही है, अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है? तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते, क्यों लीक होता है ये बैरागी जी, इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है, पेपर बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़ की वजह से बरसात होती है, वर्षा होती है, मानते हैं भाई साहब? मानता हूँ, होती है, ठीक है। तो पेड़ की लकड़ी से पेपर बनता है, पेड़ से बरसात होती है, बरसात होती है, जब बरसात होती है तो कागज पे जब गिरती है बरसात तो गल जाता है, पानी तो छोड़ना लाजमी सी बात है, लीकेज की समस्या तो वहीं से पहले जो शुरू। हाँ, तो कागज गल जाता है तो कागज लीक होने लगता है, पेपर लीक होने लगता है। अच्छा यार, क्या लेके आया? गलत भाई साहब, क्या कर रहा तू? ये एक सेकंड, आप गलत मत बोलिए भाई साहब। आप ऐसा बोले तो मजाक कर रहा बोले बैठागी जी, इनका नाम क्या बैठागी? वुडू सहगल हमारे साथ। वो आप वुडू सहगल है भाई साहब? सहगल की गलत मत करो, आप गलत मत करो।
फोन कट गया बेटा जी, चिट्ठी का है। इस बार की चिट्ठी ग्रीष्म घाटी के लताड़पुर में अप्रेजल के चलते ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करके बॉस को भिजवाने वाली लिटरी बामनी कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बामनी जी को कोई समझाए कि आज तक कभी एफसी रॉकिंग हुआ ही नहीं। 93.5 रेड एफएम 93 हां बिंदी न लगाए तो क्या हो जाए। 93.5 रेड एफएम बजाते अंकिल। नमस्ते बउआ। बोलो। हेलो। नमस्ते अंकिल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक। अरे पहले ये बता कौन तू ये बउआ और कौन तू नव बैरागी? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी है। हाँ वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दे, शुरू कर दे। हाँ हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए भाई साहब। बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी साइड रजाई में कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी, इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है। 1835 में महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू। 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ लाइन पे हैं। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में उठते ही खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? राज का हाँ मतलब पी से पहुंची जाएगा ना। जैसे ही खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा, खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं और साथ में वो भी हो जाएगा, 2 नंबर भी। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठते, एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा? भाई साहब आप लाइन में हैं? समोसा क्रांति का जोड़ दिया पर। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी जगह। इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पर। बिल्कुल। अजी प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। तो जैसी खेल कर रहे होते हैं चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब। सुनो हमारे बस करिए आप बैरागी जी को गले। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़बड़ सिंगला। आप भड़बड़ सिंगला है? बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है फोन बैरागी जी कहाँ से? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हरा अमरूद काट कर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा था। ये कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची।